हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमारी जो बात हुई थी लास्ट, वो वेडनेसडे इवनिंग तक हुई थी। तो वेडनेसडे इवनिंग रेस्ट है बोला था, तो नेक्स्ट थर्सडे है। थर्सडे में आपको फिर अगेन वेट ट्रेनिंग करनी है। तो वेट ट्रेनिंग में आपको फिर अगेन 800 मीटर रनिंग करनी है। रनिंग करके आपको एबीसी एक्सरसाइज आप रहने देना। उस दिन भी स्ट्राइड मारना 80 मीटर की, 4 कम से कम। और देन आप उसके बाद वेट ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। तो वेट ट्रेनिंग में इस दिन आपको जाके पहले, जैसे पिछली बार आपने गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज की थी, सबसे पहले जाके वार्मिंग अप के लिए या हाइपर एक्सटेंशन किए थे, तो इस बार आपको डेडलिफ्ट स्टार्ट करनी है। तो डेडलिफ्ट आप आइडिया मान के चलो अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट, जो आपकी बेस्ट है उसके हिसाब से, या आपकी जो भी एज अकॉर्डिंग है वो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग योर पावर। ठीक है, तो ये आप करना। जैसे मैं होऊंगा तो मैं स्टार्ट कर लूंगा उसको 80 kg से, और मैं 160-180 तक जाऊंगा। और रेपिटेशन वर्क इसमें भी कम से कम 6 to 8 रेपिटेशन देने हैं। देन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी क्लीन। पिछली बार स्नैच की थी, तो इस बार क्लीन स्नैच, ये हाथ वाली होती है क्लीन, यहां तक हमें लेके आनी होती है। तो ये क्लीन के भी आपको रेपिटेशन वर्क ज्यादा करना है। जैसे स्टार्ट करोगे जितनी आपकी पावर है उसके हिसाब से, तो स्टार्टिंग सेट से लेके टोटल आपको 5 सेट करने हैं। सपोज मैंने 60 kg से स्टार्ट की है, 60 के 8, 80 के 8, 100 के 8, 120 के 8, 130 के 8। ओके, ये इतनी हो गई क्लीन, हो गए मेरे 8-8 रेपिटेशन। तो नेक्स्ट आ जाता है फिर उस दिन ना हाफ स्क्वाट। हाफ स्क्वाट करनी है आपको। फुल स्क्वाट पिछले सेशन में की थी, तो इस बार हाफ स्क्वाट कर सकते हो आप। हाफ नहीं तो हाफ से डाउन थोड़ा वो करना आपको। रेपिटेशन वर्क 8-8 ही देने हैं आपको, जहां सिंगल लेग स्क्वाट कर सकते हो। और नी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको सिंगल लेग स्क्वाट करनी चाहिए। वो पीछे बेंच के ऊपर, एक लेग बेंच के ऊपर आ जाएगी तो दूसरे वाला लेग थोड़ा ओपन हो जाएगी, लाइक इस टाइप की हो जाएगी। तो इसके ऊपर बैठना है आपको ये चीज। ठीक है, ये आपको भी, ये ज्यादा हैवी नहीं कर सकते हो आप। मेरा ख्याल है कि शायद आप अगर बहुत पावरफुल हो तो आप 130-140 तक जा सकते हो, इसके बाद आप नहीं जा पाओगे। तो आप ये करना, सिंगल लेग स्क्वाट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी पुल ओवर। पिछली बार अगर आपने यहां तक चेस्ट वाली की थी, तो नेक्स्ट वाली में स्ट्रेट आर्म करनी है। आज सारी स्ट्रेट आर्म करनी है आपको, या सिंगल हैंड पुल ओवर भी कर सकते हो। सिंगल हैंड पुल ओवर आप विद डंबल कर सकते हो, या वो बार की साइड में जो वो होता है उसके अंदर प्लेट्स डाल के उसको सिंगल हैंड ऐसे पीछे कर सकते हो। ये वाली मूवमेंट, तो सिंगल हैंड पुल ओवर हो गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिंगल हैंड पुल ओवर के बाद आर्म्स की जो सेट हमारा हो जाता है, उसके बाद आप काव्स कर सकते हो। ठीक है, जहां स्क्वाट जंप कर सकते हो। स्क्वाट जंप ऐसा होता है कि 40 kg वेट ले लेना है, 8 रेपिटेशन जंप करने हैं, बैठना है 8, पूरा बैठना नहीं है, हाफ से थोड़ा ज्यादा बट फुल नहीं बैठना है। ठीक है, ये 8 रेपिटेशन। देन आप 50 kg, 8 रेपिटेशन अकॉर्डिंग टू योर पावर। जिनकी पावर बहुत कम है वो 20 kg से कर सकते हैं, 30 kg से कर सकते हैं, 40 kg तक लास्ट जा सकते हैं। तो 60 kg इसके आपको 4 सेट करने, 40, 50, 60, 60। ठीक है, स्क्वाट जंप हो गए आपके। देन आपको उसके बाद आर्म्स के लिए आप बैक जर्क आपको थ्रोइंग डे वाले दिन करनी है, बेंच प्रेस थ्रोइंग डे वाले दिन करनी है। इसके बाद आपके कुछ इमिटेशन वर्क बचते हैं, या रोटेशन ऑफ योर शोल्डर। तो आपको पावर पोजीशन में खड़े हो जाना है, जेवलिन की जो पावर पोजीशन होती है, अगले हैंड को होल्ड कर लेना है इस तरीके से। देन इस हाथ को पीछे लेके जाना है और हिप को चार्ज करते हुए लेके आना है। ये चीज, ये आपके इमिटेशन वर्क्स हैं, शोल्डर मोबिलिटी, दोनों हाथ पीछे को, दोनों हाथ आगे को। फिर विथ 2.5 kg की प्लेट, 2.5 kg प्लेट, देन रोटेशन, फिर एक हाथ आगे को एक पीछे को, ये फिर दूसरा सेम। स्विस बॉल है तो स्विस बॉल के ऊपर भी कर सकते हैं, ये जैसे आप स्विमिंग करते हैं उस टाइप की। ठीक है, ये एक्सरसाइज, कुछ स्मॉल एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। देन आप लास्ट में
विद स्मॉल बॉर, जैसे कि वो हो जाती है 6 kg, 8 kg की एक बॉर होती है, बहुत पतली सी रॉड होती है इतनी लंबी, उसके साथ ड्रिल वर्क कर सकते हो, ये जेवलिन वाली ड्रिल वर्क, ये सारा करना है आपको खड़े खड़े, नॉट वॉक नहीं करना कुछ भी, वन स्टेप में कर सकते हो वॉक में, ये लेफ्ट पैर से स्टार्ट किया, राइट लगाया, फिर लेफ्ट लगा तो उतने में चार्ज कर दिया इसको। ये आपकी आफ्टर शोल्डर टाइटनेस स्टिफनेस के बाद मोबिलिटी हो जाती है, ये आपका मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया थर्सडे का। देन उसके बाद 40 मीटर की 3 स्प्रिंट, देन स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, ओके। तो अब शाम को आपका थर्सडे का आ जाते हैं फिर जंपिंग एक्सरसाइज। उस दिन आप इतनी ऊंची वाली हर्डल्स होती हैं प्लास्टिक की जो लगभग 1 फीट ऊंची रहती है, 1 गिट सॉरी, तो 1 फीट भी चलेंगी, इतनी ऊंची भी हैं तो चलेंगी, उनको आप डिस्टेंस रख लो डायमीटर 2.5 50 मीटर रख के उनके ऊपर से जंपिंग करनी है। आप सपोज आपने 10 हर्डल्स रख लिए हैं तो उनके ऊपर से कंटिन्यू जंपिंग करते जाना, ये मूवमेंट में, ठीक है। अब 10 हर्डल्स हैं, 8 बार करना है, 80 जंप्स ये हो जाते हैं, देन उनका डिस्टेंस कर लो 2 मीटर, फिर सिंगल लेग, सिंगल लेग से 6 रेपिटेशन ये हॉपिंग हो जाएगी आपकी, तो ये आपको करने हैं 60 लेफ्ट से हो जाएंगे, 60 राइट से हो जाएंगे, ये आपके हो गए जंप्स, ठीक है। देन आपको आपकी अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग आपको जर्नल थ्रोस करने हैं या आपको मेडिसिन बॉल्स के साथ मोबिलिटी करनी है, आई मीन सम रोटेशनल सा वर्कआउट हो, जेवलिन के टाइप में उसको वॉल में थ्रो करना, ये हो गया, जहां मेडिसिन बॉल 5 kg को पीछे से पकड़ना, नीचे से पकड़ना, ये सम जर्नल्स मोबिलिटी है, ये आपको करनी है। इसमें आपके लोअर बैक का बहुत अच्छा रिजल्ट है कि मोबिलिटी मिलती है उसको। देन आप सिंगल आर्म से लेके सपोज यहां रख के वॉल के अंदर थ्रो कर सकते हो, ये चीज ये यहां रख के कोशिश करनी है कि ये चीज ऐसे हो के फिर आप ऐसे ना करो, ताकि ये लेफ्ट शोल्डर इधर को वाइड जाए, इसको यहां रख के लॉक करना है, इस चीज को लॉक ही रखना है, ये लॉक इस चीज को। तो ये मेडिसिन बॉल वर्कआउट हो गया, जंपिंग हो गई आपकी। देन आपको सम स्प्रिंटिंग करनी है, आप 120 कर सकते हैं या आप 200 भी मीटर कर सकते हैं, 200 करनी है तो 2 करो, 120 करनी है तो 4 to 6 आपको 120 करनी है। देन आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, कूल डाउन हो जाएगा इनफ। ये थर्सडे इवनिंग का वर्कआउट है आपका। फिर आ जाता है फ्राइडे थ्रोइंग डे, तो थ्रोइंग डे वाले दिन आपको रनिंग्स करनी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ओके, थैंक यू।